जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इससे भ्रष्टाचार से जोड़कर तो आप देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है, इसमें सवाल किस बात को लेकर है? देखिए, जहां तक मुद्दे उठाने की बात है, एक तो पहली बात कि कांग्रेस जो है एक मुद्दाहीन पार्टी है, उसके कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसको आके जनता तक ले जाने में वो समर्थ रहते हैं। दूसरी बहुत अहम बात है कि आज किस बात को उठाएंगे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे? अरे भाई, आंकड़े आपके सामने हैं। समझदारी है अगर आपको तो आंकड़े देख लीजिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा और आप इस बात को एक्नॉलेज करने लगे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी काम किया गया उसकी वजह से आज महंगाई जो है नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा डिसरप्शन की वजह से, कोविड के बाद डिसरप्शन हुआ, ओमिक्रॉन के बाद डिसरप्शन हुआ, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ, जब रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हुआ, आपके रिफाइनरीज बंद हो गई, गैस सप्लाई बंद हो गए, चाइना की फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो थोड़ा डिसरप्शन हुआ सप्लाई चेन में, उसकी वजह से टेम्पररीली जो इन्फ्लेशन बढ़ा। लेकिन आपके देश में इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, महंगाई दर नीचे जा रहा है। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज यूरोप में देखिए 9%, आज तक हमने 9% नहीं देखा। कांग्रेस के जमाने में 9 और 10% देखा गया था। 8-10 साल का एवरेज निकालिए, उनके समय में इन्फ्लेशन 8.96%, आज आप हमारे 8 साल का निकालिए तो आपका 5 से भी नीचे आता है। दूसरी बात जो है बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी का देखिए, कोविड से पहले जो है वो जो है बेहतर हालत में है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दूसरी एक बहुत अहम बात है, इस बार का जो आया है जीडीपी का ग्रोथ का नंबर, फर्स्ट क्वार्टर पहली तिमाही का जो नंबर आया है, उसमें आप बहुत अहम बात है कि उसमें आप देखिए जो प्राइवेट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 26% से बढ़ा है। तो उससे क्या समझ में आता है कि एक आम आदमी के पास खर्चा करने के लिए पैसा तभी तो बढ़ रहा है, वरना आपके पास पैसा नहीं तो खर्चा करेगा तो कैसे बढ़ेगा? उसके बाद लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ना कि महंगाई ने लोगों को परेशान किया है। बेशक हम कह दें कि बाकी देशों से अगर हम कंपेयर करें तो हम बहुत बेहतर हालात में हैं, लेकिन बढ़ते सब्जियों के दाम, बढ़ते दालों के दाम आम आदमी को परेशान कर रहा है और यही मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। प्रचित जी, एक छोटी सी बात कहूंगा कि देखिए, इस बात को सब लोग जानते हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब जानता है कि ओमिक्रॉन और रशिया वार, ये दोनों जो है सच्चाई है, उसके वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी। मैंने कहा महंगाई नहीं बढ़ा, महंगाई बढ़ी है, इस बात से हम गुरेज नहीं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल कर किसने किया, किसकी पॉलिसी ने किया? आपके समय में तो 10-11% डबल डिजिट था, हमारे समय में 7% भी नहीं जाता है, वो 6 के 6.6 पॉइंट के जाता है। ठीक है, चलिए आंकड़ों में न जाते हुए सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी बात को जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। बेवजह आप बता रहे हैं कि जो आंदोलन शुरू करने वाली है कांग्रेस, वो मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रही है। जीतू पटवारी जी, आप सुन रहे हैं जफर इस्लाम साहब को, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास चूंकि मुद्दे नहीं है, कांग्रेस मुद्दे विहीन हो चुकी है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हल्ला बोल रैली का आयोजन कर रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं? जफर इस्लाम साहब बहुत समझदार आदमी हैं, आंकड़ों का और बैंकिंग का उनको बड़ा नॉलेज है, पर सामान्य परिपेश में जिस तरीके के देश के हालात हैं, आप जब अपने घर की सब्जी, दाल, चावल, राशन खरीदते हैं तो आपको भी असर आ रहा होगा प्राची, और यही असर जब आप पे आ रहा है, जो आम आदमी है, जो जिस देश का आम का एक इंसान बोला जाता है, 50% लोग संपत्ति विहीन है नरेंद्र मोदी जी के राज में, 10% लोगों के पास 80% संपत्ति है, ये देश के आंकड़े हैं। तो जो 50% संपत्ति विहीन लोग हैं उनके खून के आंसू महंगाई से कैसे गिर रहे हैं, ये इन लोगों को सत्ता के मद में समझ में नहीं आएंगे। अब रही बात भारत जोड़ो की, भारत जोड़ना या भारत जोड़ो का जो भाव है वो नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारी सरकार है, देश का जो सरकार चुनी जाती है वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो देश की जनता द्वारा चुनी हुई भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाली भावना होती है। हमारी सरकार से ये बात तो कर ही सकते हैं कि आपने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे, आज देश में किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, उनको लगने वाली लागत दुगनी हो गई। अब सब जफर इस्लाम साहब आंकड़ों में अलग बात करेंगे, पर किसान के घर जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। रही बात जो जितनी बात कर रहे थे कि क्या हालात हैं आज देश के, आज रोजगार के हर हाथ को काम मिलेगा, काम का पूरा दाम मिलेगा, भाई 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 45% नए लड़के 40 साल से नीचे के बेरोजगार घूम रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं, देश के ही तो आंकड़े हैं, देश की सरकार के ही आंकड़े हैं।
एनसीआरबी की पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई उसमें 1,65,000 लोगों ने रिकॉर्ड आत्महत्या की, रिकॉर्ड आत्महत्या की। आज ही भोपाल में 10 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की आर्थिक तंगी में। जब इतनी बड़ी तादाद में आत्महत्या हुई, यानी आपको उसका दर्द नहीं दिखता जफर इस्लाम साहब? आप इसके लिए देश के रोजगार से भारत को जोड़ना है, इसके लिए देश की अर्थव्यवस्था को भारत को जोड़ना है, इसलिए देश के किसान जी। तो पटवारी जी, देखिए आपकी सारी बातें ठीक है, विपक्ष को चिंता है देश की, आपकी बातों से कम ये बात जाहिर हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।